हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की फीलिंग्स, पास्ट में क्या थी और अब क्या है। ठीक है, पास्ट में ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करता था, क्या सोचता था, और इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। देयर फीलिंग्स पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, लेट्स सी। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स पास्ट में क्या थी और इस टाइम फ्रेम पे क्या है। हम पास्ट के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे साइकिक टैरो से और प्रेजेंट के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें। मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं लेती, प्लीज़ आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है, किसी एक को आंसर देने की बात नहीं है, लाइन लग चुकी है यहाँ पर सवालों की, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूँगी मैं कि लाइव आऊँ और आप लोग के साथ कनेक्ट हूँ, आप लोग के पर्सनल क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि किसी का भी पर्सनल क्वेश्चन से फेक नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ, कोई एक पूछता है, फिर दूसरा पूछता है, फिर तीसरा पूछता है, तो ये एक लाइन बन जाती है। हम लाइव आएंगे, लाइव में देखें 1 question 1 person। ठीक है, चलो देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर पास्ट में क्या आती है। हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं और रीडिंग पे हम ध्यान देते हैं अपनी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स पास में क्या थी, प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की फीलिंग्स पास में क्या थी अपने पर्सन को लेकर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पास में क्या रही हैं आपको लेकर, ये पर्सन आपके लिए पास में क्या फील करता रहा है। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। पास में मेरे व्यूअर के लिए इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या रही है, पास में मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स क्या रही है मेरे व्यूवर के लिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर पास में क्या फील करते रहे हैं मेरे व्यूवर को लेकर। 1 पास्ट के लिए है, 2 3। ठीक है, और अब हम देखेंगे प्रेजेंट के लिए पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। आपने पास्ट में वेट बहुत करा, इस पर्सन का पेशेंस, सब्र आपको करना पड़ा पास्ट में। ठीक है, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम किया है इस कनेक्शन में। ठीक है, लेट्स सी प्रेजेंट की फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की मेरे व्यूवर के लिए, इस प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इस प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन क्या फील कर रहा है, अनफोल्ड हो गया, विजडम आ गया इस पर्सन को। ठीक है, कुछ समझदारी आ रही है। ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की मेरे व्यूवर को लेकर, इस पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स आपको लेकर। ओके, ये पर्सन फिलहाल इस वक्त डिस्टर्ब है, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है इस प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे इस पर्सन को, और डिस्टर्ब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम फ्रेम में, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ फील कर रहा है। ठीक है, पास्ट में फीलिंग्स क्या रही हैं, लव बिगिन, आप लोग के बीच एक लव बिगिन हुआ था पास्ट में। ठीक है, विश फुलफिलमेंट, इस पर्सन ने इस कनेक्शन को विश फुलफिलमेंट की तरह देखा था और विश की थी, आप लोगों ने एक दूसरे के लिए विश की थी। आपकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, एक इमोशनली आप लोग एक साथ तो आए थे। ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने की पास में बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चला था, आप लोगों की जब बिगनिंग हुई थी आप दोनों एक साथ कंपैटिबल होकर आप लोगों ने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, और पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप दोनों की तरफ से नज़र आ रही है, आप दोनों एक दूसरे के विश नज़र आ रहे हैं। कोई यहाँ पर एक दूसरे से मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक प्रॉमिसेस हुए तो वो इक्वल प्रॉमिसेस हुए। ठीक है, अगर विश करिए तो आप दोनों ने इक्वल एक दूसरे के लिए विश करी है, मुझे कोई भी एंटी या डिफेंसिव नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, पास्ट में जब आप लोग का रिश्ता स्टार्ट हुआ तो बैलेंस पे स्टार्ट हुआ, इक्वलिटी पे स्टार्ट हुआ, हुआ है तो कुछ मिड में हुआ है। ठीक है, आप लोग जब स्टार्ट इस कनेक्शन में आपने एंटर किया था, आप भी इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड थे और ये पर्सन भी आपके लिए डेडिकेटेड था, आपकी भी प्रायोरिटी ये पर्सन था और आप इस पर्सन की भी प्रायोरिटी ये पर्सन आप थे। ठीक है, मतलब कि मुझे आप दोनों की तरफ से कोई ऐसे डिस्टर्ब सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन एक डिस्ट्रप्शन से गुजर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर पास में किसी को कुछ बुरा लगता था तो कोई आप लोग पेशेंस से बर्दाश्त कर लिया करते थे इस पर्सन की बुराइयों को, वो पर्सन भी बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इस वक्त कुछ बिखरा हुआ है आपका कनेक्शन, आपके कनेक्शन में कुछ डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है दोनों की तरफ से। बैक ऑफ द स्टोरी दोनों की, मतलब कि बैक ऑफ द स्टोरी आप दोनों की आ रही है, आप दोनों ही डिस्टर्ब हैं इस सिचुएशन की वजह से। आप लोग शायद डिस्टेंस में इस टाइम फ्रेम पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। पास्ट की फीलिंग्स
बहुत अच्छी रही है, एक लव बिगिन हुआ था, आप लोगों ने एक दूसरे को अपना लव दिया था, एक लव के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ आए थे, ठीक है। पास्ट में ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए क्या फील करता था, एक जेन्युइनली लव नज़र आ रहा है मुझे दोनों की तरफ से, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए जैसे एक दीवाना दीवाने वाला आप लोग की कंडीशन रही है, आप लोग दीवानों की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। इस टाइम फ्रेम पे आप लोग मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूअर के पर्सन नहीं, पास्ट में क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन की, जेन्युइन फीलिंग्स क्या थी मेरे व्यूअर को लेकर, ये पर्सन पास्ट में क्या फील करता आ रहा है मेरे व्यूअर को लेकर। भाई इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को इक्वली दिया है, ठीक है। आप दोनों इक्वली इन्वेस्टेड थे अपने रिलेशनशिप में, बिल्कुल यहाँ पे मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है पास्ट में, आप दोनों ने इस कनेक्शन को बैलेंस से निभाया है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से निभाया है, एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करा है। चाहे इस रिश्ते में मैरिज नहीं हुई थी तो आप लोग की विश थी मैरिज तक जाने की, यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल थे, हीलिंग मिलती थी आप दोनों को एक दूसरे से इस कनेक्शन में, एक पॉजिटिव वाइब है, ठीक है। स्टेबिलिटी, ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आप लोग की मंगनी हो गई थी, इंगेजमेंट हो गई थी, मैरिज होने वाली थी, कुछ ना कुछ ऐसा था, इतना बैलेंस था, इतना स्टेबल था कि आप लोग एक दूसरे के साथ नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते थे या मूव कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि स्लोली स्लोली चीज़ें चेंज हुई हैं, पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ गई हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव मूवमेंट आई है, नेगेटिव यहाँ पर ट्रेड्स बने इस इन सब चीज़ों के, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पहले जो सिचुएशन अब बन चुकी है इस कनेक्शन की, पहले ऐसी नहीं थी, पहले बैलेंस था, ठीक है, एक हीलिंग थी, टेम्परेंस था, स्टेबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन रही है इन इस टाइम फ्रेम पे पास्ट में, ठीक है। पास्ट में बैलेंस रहा है इस, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है सब कुछ, नेगेटिविटी की तरफ है। आप लोग के कनेक्शन में पास्ट में कनेक्शन कैसा रहा, ठीक है, बैलेंस जस्टिस, ये कनेक्शन, ये पर्सन आपको पास्ट में जस्टिस देना चाहता था, आपको लीगल मैरिज देना चाहता था, मैंने कहा ना ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ गया है, इंगेजमेंट की तरफ गया है, या तुम एक दूसरे के घर बात गई है, या तो आप लोग एक दूसरे के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप में रहे हैं पास्ट में, जस्टिस एक दूसरे को दोनों प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि टेन ऑफ कप्स पास्ट आप लोग के कनेक्शन का बहुत ज़्यादा ब्राइट रहा है, टेन ऑफ कप्स, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम बन जाती थी तो दोनों मिलकर सॉल्व कर लिया करते थे यहाँ पर इस कनेक्शन में। ये पर्सन पास्ट में आपके इस कनेक्शन के लिए कैसा रहा है, क्या फील करता रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड फील करता रहा है, ठीक है। एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप, ऐसा हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से आप लोग के बीच डिफरेंसेस हों, ठीक है, डिफरेंट कल्चर हों, आपके घर का और इस पर्सन के घर का, ठीक है। आप लोग के कलर डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक दूसरे के घर के तौर तरीके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, पहले आप लोग दोस्त बने, उसके बाद आप लोगों ने एक रिश्ता स्टार्ट करा, एक कनेक्शन स्टार्ट करा, पहले एक फ्रेंडशिप की एनर्जी है, आपने हैंग आउट किया, चीज़ों को समझा, एक दूसरे को टाइम दिया, उसके बाद जाके आप लोग किसी एक रिश्ते में आए हैं, ठीक है। पास्ट ब्राइट था इस कनेक्शन का, पास्ट में कुछ नेगेटिविटी नहीं थी, पास्ट में ये पर्सन जेन्युइनली आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा था, और अगर आपको यहाँ पर कुछ कमिटमेंट चाहिए थी, कुछ भी कमिटमेंट चाहिए थी, या कोई भी आपको आगे बढ़ना था, तो यहाँ पर चीज़ें थी। मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक के घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम रही है, नाइन ऑफ सोट की एनर्जी है, किसी ने यहाँ पर कम्प्लीटली किसी मतलब कि स्लीपलेस नाइट, मतलब कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी एक पर्सन की तरफ से, किसी की फैमिली की तरफ से कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी, या तो आगे अप्रूवल नहीं दी जा रही थी इस कनेक्शन को, जो यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है, ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड की। फिर भी ये कनेक्शन आगे बढ़ा पास्ट में, ठीक है, फिर भी इस कनेक्शन में पास्ट में किसी एक पर्सन ने डिसीजन मेकिंग करी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, या तो अपनी फैमिली को समझा कर, बिल्कुल यहाँ पर एक बिगनिंग करी, एक डिसीजन मेकिंग करी, या तो यहाँ पर आप लोगों के बीच कोई कमिटमेंट हो चुकी थी, मैरिज होने वाली थी, मैरिज हो चुकी थी, या जब मैरिज हुई तो आप लोग एक दोनों एक इक्वलिटी निभा रहे थे, ठीक है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एग्री थे कम्प्लीटली, आप लोग यहाँ पर किसी फोर्स फुली कनेक्शन में आप लोग कनेक्ट नहीं हुए थे, आप लोग पहले फ्रेंड्स बने, बाद में आप लोगों ने स्टेबिलिटी का यहाँ पर डिसीजन लिया, ठीक है, एक
एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से आप लोग इस कनेक्शन को लेकर चले पास में, चाहे किसी की फैमिली से यहाँ पर डिस्टर्ब सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, कोई अगेंस्ट किया अपनी फैमिली के लेकिन फिर भी उसने ये रिश्ता निभाया, ये आपके पर्सन लग रहे हैं पास में उनकी, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी फैमिली में यहाँ पर कोई इशू था इस कनेक्शन को लेकर, फिर भी उन्होंने अगेंस्ट जाकर इस कनेक्शन को किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्शन और बैलेंस देने की कोशिश करी है। अब किसी के लिए मैरिज दी होगी, किसी के लिए इंगेजमेंट की होगी, किसी के लिए कमिटमेंट प्रोवाइड की होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया है यहाँ पर किसी एक पर्सन, ठीक है, पास में इस पर्सन की फीलिंग्स। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में पास में भी देखिए इंक्वायरी कर रहा था, स्टॉक एंड सर्चिंग कर रहा था, क्योंकि आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस है शायद, तभी आप लोग की फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी, ठीक है। ये पर्सन पास में भी आप लोग की जैसे स्टॉकिंग सर्चिंग, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, ये सब कुछ चल रहा था इस पर्सन के माइंड में, ये आपके ऊपर नज़र रखता था। ये थोड़ा सा जैसे कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है इस पर्सन का, कंजर्वेटिव फैमिली हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा एक जो बहुत ज़्यादा दबे हुए घर से, जो बहुत ज़्यादा एक जैसे स्टकनेस जहाँ पर हो, जिनके घर में एक रूल रेगुलेशन फिक्स हो, वहाँ से ही पर्सन आ रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। टावर बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें पास्ट में बहुत बेहतर थी, लेकिन कुछ अरसे बाद, ठीक है, यहाँ पर कुछ अरसे बाद ऐसा हो सकता है आप लोग के कनेक्शन के जुड़ने के 1 ईयर बाद, 6 मंथ बाद चीज़ें चेंज होने लग गई, ठीक है, या तो 9 मंथ बाद यहाँ पर एक यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के बीच डिफरेंसेस आने लग गए जो पहले नहीं थी, या तो 12 मंथ बाद, ठीक है, यहाँ पे 12 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के कनेक्शन पहले एक विश फुलफिलमेंट के थ्रू गुजर रहा था, उसके बाद जाके इस कनेक्शन में चीज़ें चेंज होने लग गई, ठीक है। यहाँ पर आपका आपके पर्सन और आपका पास तो ब्राइट था, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे मुझे जब चीज़ें सेटलमेंट हो गई, जब फैमिली की अप्रूवल हो गई, जब सब कुछ यहाँ पर एक आप लोगों को एक दूसरे के लिए अप्रूवल मिल गई, उसके बाद आप लोगों के बीच जाके कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को सर्च और स्टॉक कर रहे हैं पास्ट में, एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हैं और एक दूसरे की कमियाँ ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को टॉन्ट करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक लड़ने झगड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। टावर मूवमेंट क्रिएट रहा कुछ एक साल में आप लोग किस बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में टावर मूवमेंट से गुजरते हुए आ रहे हैं। एक टाइम पे विश फुलफिलमेंट आपको हीलिंग देने वाला रिश्ता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब और टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता जा रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अब प्रेजेंट मोमेंट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर, ये पर्सन पेशेंस एंड प्लानिंग, कुछ ना कुछ पेशेंस रखा हुआ है, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर इमोशनल विड्रॉवल आ चुका है, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। ट्रुथ, ये पर्सन यहाँ पर ट्रुथ एक सच के साथ चलना चाहता है, सच को देखना चाहता है। मैंने कहा ना यहाँ पे किसी ने डाउट करा है, इस पर्सन ने आपके ऊपर पास से कहीं डाउट करना स्टार्ट किया, जब से आप लोग के बीच डिस्टर्ब सिचुएशन हुई है ये पर्सन एक शक करने लग गया इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा एक शक नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जो डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, जो आप लोग के बीच टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, वो किसी शक की वजह से हुआ है। ये पर्सन सोच रहा था शायद आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या तो यहाँ पे आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर रहे हैं इस कनेक्शन में। देखिए लवर का कार्ड है, तो ऐसा लग सकता है इस पर्सन को आप किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, तो मतलब कि पर्सन इस वजह से स्लीपलेस नाइट में भी किया है, इस पर्सन ने आपकी सर्चिंग स्टॉकिंग भी करी, एक टावर मूवमेंट भी क्रिएट हुआ है। आपका अच्छा खासा रिश्ता इस एक साल में तबाह हुआ है, जैसे एक बनता बनाती चीज़ मंगनी होती हुई, शादी होती हुई चीज़ें डिस्टर्ब सिचुएशन की तरफ गई है, ठीक है। ये पर्सन फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे पेशेंस है, इसके पास प्लानिंग कर रहा है, कुछ सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन इमोशनली विड्रॉवल पे है, इमोशनली ये पर्सन आपसे डिटैच हो रहा है, इमोशनली ये पर्सन आपसे दूर हो रहा है, इमोशनली ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ये ट्रुथ देखना चाह रहा है, सच देखना चाह रहा है, ये सही फैसला करना चाह रहा है आप दोनों के लिए, ठीक है। आप दोनों के बीच इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आप दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहा है, आप दोनों ही यहाँ पर स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी स्ट्रेस में है और आप भी स्ट्रेस में हैं। इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, प्लीज एंजल संस्पीड गाइड मेरे व्यूवर को लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा जैसे आर्ग्यूमेंट रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है इस एक साल में, एक ज़बरदस्त वाली टावर मूवमेंट, एक सडनली आर्ग्यूमेंट हो जाना, अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टॉन्ट करना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बुरा भला बोलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है इस एक साल में। इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, पास्ट की फीलिंग्स तो हमने देखी, अब इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपके लिए क्या फील कर रहा है, ट्रू फीलिंग्स
योर पार्टनर. देखिए कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड है, डिफेंसिव हुआ हुआ है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी चीज़ को मान नहीं रहा, या आपको खुद गर्ज एक इंसान की तरह देख रहा है. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ अपनी सोचते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन सिर्फ अपनी सोचता है. डिफेंसिव एनर्जी नज़र आ रही है मुझे दोनों की तरफ से. दोनों यहाँ पर अपनी अपनी सोच रहे हैं. आप लोगों ने इस रिश्ते में एक टाइम पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा, ठीक है, बहुत अच्छा वक्त गुजारा. मुझे दोनों ही डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, अपना हार्ट चक्रा आप दोनों ही ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी तरफ से इतनी ब्लॉकिंग नज़र नहीं आ रही. आप यहाँ पर ईगो में जा रहे हैं, अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, एक जैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. वो आप चाह रहे हैं आर्ग्यूमेंट में आप जीत जाए और ये पर्सन चाह रहा है ये जीत जाए, लेकिन ये आपके लिए कन्फ्यूज है. ये पर्सन डिफेंसिव हो रहा है, ठीक है. इस पर्सन को ऐसा लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं और आगे भाग रहे हैं, ठीक है. आपके पास कोई सच है और आप उस सच को हाइड कर रहे हैं, ठीक है. आप लोग के इस टाइम फ्रेम पे, तभी ये पर्सन इमोशनली विड्रॉवल पे है. इस टाइम फ्रेम पे आप लोग के कनेक्शन में कोई डिफरेंसेस आ चुके हैं, स्टक सिचुएशन हो चुकी है. ऐसी आर्ग्यूमेंट हो रही है कि उस आर्ग्यूमेंट के बाद आप लोगों का कनेक्शन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा. एक जगह से स्टार्ट हो रहा है फिर वहीं जाके स्टक हो जा रहा है. कम्युनिकेशन तो आप लोगों की हो रही है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है, किसी को लग रहा है कोई झूठ बोलता है, किसी को लग रहा है कोई झूठ बोलता है. आपके पर्सन को खासतौर पर ऐसा लग रहा है आप कुछ ना कुछ हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ पर हाइड कर रहे हैं. आप यहाँ पर खुलकर पूरी बात नहीं बता रहे और आप यहाँ पर इस वक्त सिर्फ अपने ईगो को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है. बहुत स्टक सिचुएशन है, कम्युनिकेशन हो भी रही है तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा. पास साइकिल आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा है इस कनेक्शन का. ये साइकिल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. यहाँ पर देखा आप अपने यहाँ पर अगर यहाँ पर आप इमोशनल भी हैं तो इस पर्सन को दिखाना नहीं चाहते. लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आपकी इस पर्सन के बिना, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पावर में शो कर रहे हैं. आप साइलेंटली इस पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं. आपने जो लास्ट में कम्युनिकेशन करी उसके बाद आप कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे, चाहे स्टक का सिचुएशन स्टक ही रहे. आप साइलेंट हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे, आप अपनी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है. डन. आप सोच रहे हैं कनेक्शन एंड होता है तो हो जाए, अगर इस पर्सन को परवाह नहीं है तो आपको भी नहीं है, ठीक है. मतलब कि यहाँ पर एक ईगो बैटल चल रही है. आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले. एक ईगो बैटल है. आपके पर्सन यहाँ पर आपके ऊपर शक कर रहे हैं, आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ये पर्सन है कोई कंजर्वेटिव माइंड का, ठीक है. ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा लेकिन ये आपको आज़ादी नहीं देने वाला. ये उस पर्सन का ऐसा माइंड नज़र आ रहा है. उस पर्सन को आपके ऊपर डाउट है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हैं. यहाँ पे लवर की एनर्जी है. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है, ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ क्या हो सकता है. बात करने की कोशिश कर सकता है ये पर्सन आपसे, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. लेकिन यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके पास टू चॉइसेस हैं, या तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है. बिल्कुल आप इस पर्सन के साथ किसी स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, या तो इसकी एक जैसे ये एक बंद दिमाग वाली सिचुएशन में नहीं मुझे आप नज़र आ रहे. आप आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है. आप लोग के बीच या तो कमिटमेंट हो गई थी, या तो मैरिज हो गई थी, या तो मंगनी हो गई थी, कोई ऐसा सिचुएशन है, ठीक है. मुझे ये कमिटमेंट, ये मैरिज आपको ये घुटन लग रही है, ठीक है. आपको एक ब्लॉकेजेस का सामना लग रही है. कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी अंदर से यही बात है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे जो घुटन का शिकार है, आपके पर्सन को यहाँ पे थर्ड पार्टी का डाउट है. आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. आप किसी थर्ड पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप किसी और को टाइम देते हैं, तभी आप इतने चेंज हो रहे हैं, ठीक है. आपकी लाइफ में कोई और न्यू लव है. आपके पर्सन स्ट्रांगली इस वक्त ये फील कर रहे हैं, ठीक है. तभी ये पर्सन कोल्ड और डिटैच होता जा रहा है आपसे. इमोशनली विड्रॉवल पे है. आपको कभी लगता है ये बात ठीक करना चाहता है, और जब ये आपसे बात करता है तो उसके अंदर शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर. ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है आपको लेकर, ठीक है. ये आप अपनी लाइफ में क्लैरिफाई एस ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग की तरफ भाग रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये कनेक्शन टॉक्सिक हो चुका है, ये पर्सन नहीं समझेगा. लेकिन लव आप दोनों के दिल में इक्वल है. आप दोनों एक साथ आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है, ठीक है. एक रिजेक्शन वाला फेस है. आपको ऐसा लग रहा है इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो एक रिजेक्शन वाला फेस है, फीलिंग ऑफ लॉस वाला फेस है. आप कभी अवेलेबल हो रहे तो ये पर्सन नहीं हो रहा, ये पर्सन हो रहा है तो आप नहीं हो रहे. आप दोनों एक सेम पेज पर नहीं आ पा रहे. पहले देखें हर यहाँ पर आप लोग की फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट है. फैमिली यहाँ पे किसी एक पर्सन को रिजेक्ट कर रही है. आपको इसकी फैमिली रिजेक्ट कर सकती है, या इसकी फैमिली आपको रिजेक्ट कर रही है. कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर. लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है. कुछ तो आप दोनों ही नहीं है, ठीक है. यहाँ पर एक समझदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग एक चाइल्डिश एनर्जी में है. कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है आप लोग की लाइफ में, ठीक है.
अब ये साइकिल ऐसा हो सकता है, ये बैड भी है, अगर आपने पास में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज आपके कनेक्शन में बन रही हैं, ठीक है, ठीके? या तो फैमिली प्रॉब्लम बन रही है या तो आप लोगों का एक सेम पेज पे आना प्रॉब्लम बन रहा है। यहाँ पर आप लोग का पता है क्या, एक ईगो बैटल स्टार्ट हो गई, आप लोग ईगो से ले रहे हैं, इस कनेक्शन को बनाने के हद तक नहीं रह रहे। देखती हूँ आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पीड गाइड, ये आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, आपने स्टार्टिंग से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने भी इन्वेस्ट किया, आपने भी इन्वेस्ट किया, आप लोग की यहाँ पर फैमिली देख रहे थे, फैमिली बन रही थी, आप लोग की फैमिली इन्वॉल्व नज़र आ रही है मुझे इस कनेक्शन में, लेकिन सडनली यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। 12 मंथ से यहाँ पर, या तो 9 मंथ से या तो 1 ईयर से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट हो गया आप एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर चीज़ें, एक कीड़े निकालना स्टार्ट हो गए। कभी आपको इस पर्सन की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कभी उस पर्सन को आपकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब कि यहाँ पर बराबर के आप भी लग रहे हैं, आपकी चाहत ही रिश्ता बन जाए, उस पर्सन की भी चाहत है। आप लोग एक दूसरे से शिकायतें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इस टाइम पे देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, कोई साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी, इस पर्सन के साथ कोई साइकिल एंडिंग है। स्टैंड योर ग्राउंड, यूनिवर्स कह रहा है आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है जनाब, आप लोगों के अंदर एक इमेच्योरिटी है, ठीक है, सैक्रीफाइस, आप लोग सैक्रीफाइस करने के लिए राज़ी नहीं है। किसी अगर कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी स्टैंड कर रही है, फर्म फाउंडेशन, यहाँ पर पता है ईगो बैटल है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा, आप लोगों ने एक बैलेंस रिलेशनशिप निभाया है, लेकिन अब चीज़ें कोई या तो मेल फिगर या फीमेल फिगर है कंट्रोल करना चाह रही है इस रिश्ते को, ठीक है, जो कि देखिए पावर, कोई कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई अपने तरीके से चूज़ वॉइसली, ये पर्सन अपनी इस कनेक्शन के लिए डिसीजन मेकिंग कोई इसे फेक पर्सन करना चाह रहा है, लेकिन कोई एक पर्सन चाह रहा है, ऐसे डिसीजन मेकिंग कोई एक पर्सन नहीं कर सकता। यहाँ पर हारमनी लाने के लिए तो आप दोनों को सहमति से फैसला करने पड़ेंगे, मतलब कि यहाँ पर ईगो बैटल चल रही है, मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है आप लोग को मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप लोगों ने कनेक्शन बना तो लिया, स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन ज़िंदगी भर चलाने के लिए मैच्योरिटी की नीड है। आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही होल्ड बैक कर रहे हैं, दोनों ही दिखा रहे हैं मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, आप दिखा रहे हैं वो खुश है तुम्हारे बिना, ठीक है, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, आप दिखा रहे हैं इस पर्सन के बिना, लेकिन आप हैं यहाँ पर बर्डन सम सिचुएशन में। ये भी पर्सन इमोशनल, ये पर्सन फील कर रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, एक एंडिंग फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है आपके बिना, मतलब कि दोनों के बीच अधूरापन है, लेकिन एक सेम लेवल पर नहीं आ पा रहे, सेम पेज पर नहीं आ पा रहे, हारमनी आने की यहाँ पर चांसेस हैं। अगर आप लोग कोई किसी की सुन ले और कोई किसी की मान ले तो ठीक है, अगर ईगो बैटल रखेंगे सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर शक है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, यहाँ पे आप किसी और को टाइम दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, जो ये पर्सन उसकी सर्चिंग स्टॉकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी वजह से आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने एक दूसरे से ईगो में आके जैसे एक रिवेंजफुल एनर्जी लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है सिचुएशन। इस वीडियो को ये पर अगर थोड़ी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करने मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।